आज मैं जा रहा हूँ मरी। 2291 मीटर के एलिवेशन पर लोकेटेड मरी आज भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला हिल स्टेशन है। इस्लामाबाद से सिर्फ 70 किलोमीटर के फासले पर मिलता है आपको टोटली चेंज वेदर। कहाँ पंजाब, इस्लामाबाद और मैदानी इलाकों का समर्स में 45 डिग्री का टेम्परेचर, और कहाँ मरी का 30 डिग्री, वो भी सिर्फ एक घंटे की मुसाफत पर। हाँ, मरी की इंतज़ामिया के मामलों पर तहफ़ुज़ात ज़रूर रहते हैं लोगों को, पर तमाम तर बायकॉट्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद जब मरी स्नोफॉल सीज़न में सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है तो टूरिस्ट खुद को रोक नहीं पाते। टूरिस्ट का विंटर मरी की स्नोफॉल की सेल्फी के बिना इनकम्प्लीट रहता है। और अच्छी बात यह है कि नाउ लोकल्स आर ट्राइंग हार्ड टू गेट बेटर इन डीलिंग विद टूरिस्ट। तो चलते हैं मरी। तो भाई, वो तकरीबन 45 मिनट की राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लोअर टोपा मरी। वेदर कमाल है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इतना अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मज़े की ठंडी हवा चल रही है एंड दिस इज़ अ ग्रेट बाइक राइड। नाउ इस्लामाबाद में वेदर अभी काफ़ी गर्म है, अबव 40 है, और यहाँ पे बहुत ही प्यारी हवा चल रही है ठंडी। रात को इस्लामाबाद में थोड़ी सी बारिश हुई थी, बट जब मैं सुबह निकल रहा था टेम्परेचर तकरीबन वैसा ही होने वाला था भाई। लेकिन यहाँ जो इस वक्त मज़े हैं, ओह। अभी हम लोअर टोपा पे रुके करेंगे नाश्ता, उसके बाद दोबारा जाएंगे मरी। लेकिन राइट नाउ I'm enjoying these twists and turns with a good weather, with a cool breeze. तो यहाँ कहीं किसी अच्छे से स्पॉट पे रुक के करेंगे नाश्ता। दिस इज़ लोअर टोपा, मैकडोनल्ड्स आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद हम जाएंगे मरी। सेकेंड की डिस्कशन के बाद हमने प्लान किया कि क्वेटा कराची कैफ़े, ये जो सामने है, इस पे नाश्ता किया जाए। आई होप कि चाय क्वेटा कैफे वाली होगी, पराठे भी वही वाले होंगे। लेट्स सी, हियर इट इज। तो भाइयों, वी आर एट लोअर टोपा मरी, दिस इज इट, और अब करेंगे नाश्ता, पराठे, चाय। तो दोस्तों, ये है न्यू क्वेटा कराची कैफ़े, बिल्कुल ये लोअर टोपा का जो ये जो सामने प्लेन है उसके बिल्कुल सामने, ये लोअर टोपा के पास, लोअर टोपा में बेसिकली। अच्छा, बड़ा ही अच्छा है, चाय बहुत अच्छी थी, पराठे बहुत अच्छे थे,
और मतलब स्टैंडर्ड ओवरऑल ठीक है इसका। तो ये मैंने आपको एक नया डिस्कवर करके दिया रेस्टोरेंट, आप कभी इस तरफ आएँ तो इसको ज़रूर, बल्कि इसको प्रेफर कीजिएगा, चाय जो चाय के शौकीन है स्पेशली उनको मैं कह रहा हूँ। सो अब चलते हैं मरी, जो कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है। ये जी मैकडोनल्ड, यहाँ से हम अपना मरी का सफ़र शुरू करेंगे। मुझे तो अभी याद आया, तकरीबन मेरे ख़्याल में शायद पिछले 10 सालों में मेरा कभी मरी नहीं आना हुआ, या एक आध बार आया हूँ। स्नोफॉल में आया था, लेकिन वो भी मरी नहीं आया था, आगे नथिया गली की तरफ निकल गया था। बड़ा अरसा हो गया यार, अभी याद आया। देखिए सामने मरी की सारी आबादियाँ, और ये रोड बहुत मज़े की है, लोअर टोपा से आगे जो पता नहीं कौन सा चौक है वहाँ तक। नाश्ते के दौरान दो और ट्रैवलर भाई मिल गए थे, बेसिकली वो एयरफोर्स के मुलाजिम थे, लेकिन उनको भी ट्रैवलिंग का शौक था और ट्रैवलिंग करते हैं। बड़ी अच्छी गपशप हुई उनके साथ। एक भाई भावलपुर से थे और एक मेरे होम टाउन दाऊद ख्याल वाली साइड उस तरफ से थे। बड़ी अच्छी गपशप हुई, बड़े अच्छे लोग थे। ये सीन मुझे हमेशा बहुत ही प्यारा दिखता है, जिन्होंने अम्ब्रेलास लगाए होते हैं। मैं कई तकरीबन आखिरी एक दो दिन रह गए हैं, और इस्लामाबाद में शदीद गर्मी पड़ रही है इन दिनों, और यहाँ मरी आके मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने बाद बादलों की शक्ल देखी है। और अभी वो पीछे भाइयों से जो बात हो रही थी नाश्ते के टाइम पे, वो भी कह रहे थे कि पिछले दिनों यहाँ भी गर्मी थी, लेकिन वो कह रहे थे मतलब अराउंड 28 और 35 के बीच में था। मैंने बोला भाई हम तो 44 सह कर आ रहे हैं, 35 तो हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन राइट नाउ बादलों की वजह से ना, और मेरे ख्याल में बारिश भी हुई है थोड़ी सी शायद, तो वेदर बड़ा मज़े का है, ठंडी हवा। यहाँ आप जाएंगे भूरबन इस चौक से, और जो राइट पे रास्ता जा रहा है ये नथिया गली, और हम जाएंगे अपने लेफ्ट पे यानी के मरी की तरफ। आई लव मरी का ये बोर्ड लिखा है। रोड भी बड़े मज़े की है यार, बल्क खाती सिंगल रोड, बड़ी खूबसूरत खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और माल रोड रह गया तकरीबन 3 किलोमीटर रह गया आई थिंक। लेकिन जब विंटर्स में बर्फ पड़ती है तो इस रोड पे बहुत ही रश हो जाता है, बल्कि सीजन में यहाँ ये रोड काफ़ी बिजी रहती है। लेकिन क्या रोड है भाई, कमाल रोड है। विंटर में जब इसके ऊपर ये जो आसपास दरख्त हैं इसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है ना, हुए हुए हुए, वो एक अलग ही नज़ारा आता है। मरी समहाओ तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद ये ऐसा एक हिल स्टेशन है जो अपनी तरफ ना सयाहों को खींच ही लेता है। And here we are. Mall Road. The famous GPO chowk वगैरह।
ये है जी जीपीओ चौक माल रोड। वो सामने माल रोड, वहाँ से ऊपर आए और यहाँ पे करेंगे पार्क, क्योंकि यहाँ सेफ्टी है, इन्होंने टिकट विकेट लगाना है। तो कैमराज भी कह रहे हैं लगे हुए, लेट्स सी, आई होप अल्लाह खैर करेगा। जी तो पहुँच गए हम माल रोड मरी। ये हमारी बाइक्स पार्क हो गई हैं, 200 रुपया पर बाइक चार्ज किया इन्होंने। और वेदर यार बड़ी मज़े की, हवा है तो धूप, लेकिन हवा बहुत मज़े की है। मेरे ख्याल में 30 डिग्री के अराउंड होगा, 25-30 के बीच में, ठंड भी नहीं है और ना कोई गर्मी है। सो लेट्स एक्सप्लोर मरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। टूरिस्ट हैं भाई, रश लगा हुआ है, रश होना भी चाहिए बिकॉज गर्मी ही इतनी पड़ रही है पंजाब और बाकी पाकिस्तान में, तो यहाँ आना बनता है, रीजनेबली अच्छा वेदर है। चाय वगैरह क्या हिसाब किताब है? चाय कितने की है? अच्छी वाली। माल रोड की जो वाइब्स है ना, मरी माल रोड की, ये अलग ही है, अमेजिंग। माल रोड पे वॉक करते हुए आए हैं आगे, इस वक्त हो रहे हैं 12 बज रहे हैं, लेकिन इतनी मज़े की ठंडी हवा है ना, मज़ेदार, और ऐसा लग रहा है जैसे असर के आसपास यहाँ शायद ठंड हो जाती होगी अच्छी खासी, तो नहीं मतलब इतनी कि आपको शायद अपर यूज़ करना पड़े। इतनी मज़े की फीलिंग है ना कि इस्लामाबाद पिंडी का जो अबव 40 टेम्परेचर है वो कुछ देर के लिए जहन से निकल गया है और मैं उसको मज़ीद याद भी नहीं करना चाहता।
नाश्ता किया था, वहीं पर कर रहे हैं लंच, और लंच में है चने एंड चिकन विद पराठे, शायद भूख है।